असलम माय यूट्यूब फैमिली उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोगों के लिए हो गई हूँ हाजिर जी दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी हेयर ऑयल वैसे कि ये जो है फार्मूला जो कहा जाए कि ये टोटका मेरी अम्मी का है ये मेरी अम्मी हम लोगों के लिए बनाती थी और एक टाइम में अ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे तो तब अम्मी का ये हेयर ऑयल मैंने लगाना शुरू किया था तो मुझे इसके कोई मैजिकल कहते हैं ना कि वो रिजल्ट मिले थे तो मैंने कहा क्यों ना ये टोटका आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं अभी मैं गई थी कुछ टाइम पहले कराची और मैंने भाई कटवा दिए अपने बाल मैंने अपने बालों की कटिंग करा ली और जैसे ही मैं आई घर कटिंग करा के तो मेरी सिस्टर ने बोला तुमने तो इतनी बालों की कटिंग करा ली तुमने तो तुम्हारे इतने अच्छे लंबे बाल थे मैंने कहा भाई फैशन है कभी लंबे कभी छोटे अपने ही बाल हैं दोबारा आ जाएंगे तो मैंने कहा चले भाई अब ये ऑयल मैं यूज़ करना दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ पर मैं बोलूँ कि लीव मी इसके मुझे हंड्रेड परसेंट रिजल्ट मिले मैं थम मेल में आपके साथ पिक्चर शेयर की है इतने ज़बरदस्त मेरे बाल हो गए थे जब ये मैं लगाती थी और बीच में बस मैंने ये छोड़ दिया था सुस्ती और काहली कहते हैं ना उसकी वजह से तो मैं नहीं बनवा रही थी अम्मी से आज मैंने कहा कि भाई मैं आज ये खुद बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ उससे पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब मेरी वीडियो की कीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यार मोहब्बत सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है चलते हैं वीडियो की तरफ जी दोस्तों तो अब आ गई हूँ मैं ये प्लेट लेकर ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है प्लेट में सारी चीज़ें कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूँ यहाँ पर सबसे पहले हम ये लेंगे ये है कोकोनट ऑयल ये मैं यूज़ कर रही हूँ सईद गनी का इनका कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है बाकी इनकी जो शॉप थी वहाँ से मुझे इनके दूसरे ऑयल नहीं मिले वरना तो मैं बाकी सारी बीनी की लेती और इसके अलावा मैंने ये लिया है मरह्बा वालों का बादाम का तेल रोगन बादाम आलमंड ऑयल और इसके अलावा हम यूज़ करेंगे इसमें ये है रोगन अरंडी कैस्ट्रो ऑयल भी हम इसको कहते हैं और अरंडी का तेल भी इसको कहते हैं इसके अलावा हमने लिए हैं छः इवियन कैप्सूल सिक्स हंड्रेड एम जी वाले या आप कोई और भी जो है ना क्या कहते हैं विटामिन ई e के कैप्सूल इसमें डाल सकते हैं जी फ्रेंड्स तो अब हम करते हैं अपना ऑयल बनाना शुरू यहाँ सबसे पहले मैंने नारियल के तेल के दो चम्मच डाले हैं ये एक चम्मच और अब ये दूसरा चम्मच दो चम्मच डालूंगी मैं यहाँ नारियल का तेल उसके बाद डालूंगी मैं बादाम का तेल ये भी मैं दो चम्मच ही डालूंगी। ये एक चम्मच बादाम का तेल और एक चम्मच एक और बादाम का तेल ठीक है ये तीनों तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं अब मैं डालूँगी कैस्ट्रो ऑयल इसे हम कहते हैं आरंडी का तेल ये तो हमारे बालों में ना समझें जादू कटता है जिनके बालों में हेयर फॉल है जिनको मतलब बाल गिर रहे हैं या गंजपन का शिकार हैं वो भी ये यूज़ कर सकते हैं ना तो ये मैं डालूंगी एक चम्मच इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी क्योंकि ये बहुत थिक होता है और ये हम लोग दूसरे तेल के साथ ही मिला कर यूज़ कर सकते हैं अकेले हम ये यूज़ नहीं कर सकते अब मैं इसमें डालूँगी ईवियन के जो मैंने आप लोगों को दिखाए छः कैप्सूल तो ये मेरे हाथ में छोटी कैंची थी इससे सही तरह कट नहीं रहा था थोड़ा मसला हो रहा था फिर भी मैं जो है ना ये छः के छः हमने डालने तो यहाँ पर मैं ये कैप्सूल इसमें डाल रही हूँ दो डाल चुकी हूँ अब मुझे मिल गई बड़ी कैंची तो अब तो भाई मिनट में कटेगा कैप्सूल और ये फ़ौरन देखें ये गया कैप्सूल तो ये छः के छः इसमें मैं डालूँगी अपने कैप्सूल और फिर मैं करूँगी अपने इस ऑयल को मिक्स आप मिक्स करके चाहें तो आप इसे फ़ौरन भी लगा सकते हैं दस पंद्रह मिनट छोड़ने के बाद और अगर आप चाहें तो जो है ना क्या कहते हैं इसे न, एक रात छोड़ दें जैसे भी आप चाहें तो मतलब ये हमारा तेल बन जाएगा आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं इसको अब मैं इसे करूँगी अच्छी तरह मिक्स और दूसरी बात कि ये वैसे हम नारियल के तेल को सर्दियों में रखते हैं तो वो जम जाता है पर ये तीनों तेल जब हम मिक्स हो गए तो ये हमारा ऑयल जमेगा नहीं और ये हेयर फॉल के लिए बहुत यूज अच्छा है आप घर में बच्चों को लगा सकते हैं मतलब मेल फीमेल सब ये ऑयल लगा सकते हैं ना इस ये ऑयल बहुत अच्छा है मुझे तो इसने मैजिकल रिजल्ट दिए हैं तो ये मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो अरंडी का तेल था वो भी थोड़ा थिक था और इवियान के जो कर... जी दोस्तों तो अब मैं करूँगी इसको इस वाली बॉटल में शिफ्ट ये मेरे पास सैक्वानी का रोज़ वाटर था ये ख़त्म हो गया है तो मैं जो और कोई बॉटल मिल नहीं रही थी तो मैंने कहा मैं इसमें ही शिफ्ट कर देती हूँ अब मैं इसको करूँगी इसमें शिफ्ट तो थोड़ा सा मुश्किल है एक हाथ से रिकॉर्ड करना और एक हाथ से जो है ना ऑयल को शिफ्ट करना तो मैं ऑयल इसमें शिफ्ट करके आती हूँ ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खाली है ठीक है ऑयल इसमें शिफ्ट करके आती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ जी वीवर्स तो ये मेरा ऑयल हो गया है तैयार और ये मैंने कर लिया है ऑयल इसमें शिफ्ट और जो है ना क्या कहते हैं आप लोग ये ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिएगा यूज़ करने के बाद मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को इसका कैसा रिजल्ट मिला मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि आप लोगों को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जो कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या जो लड़कियाँ हॉस्टल्स में रहती हैं वो भी ये आसानी से बना के यूज़ कर सकती हैं क्योंकि हमें इसमें चूल्हे का कोई काम नहीं है वरना लड़कियों को ये होता है कि हॉस्टल वालियों को कि अब हम कैसे किचन में जाके बनाएं और कैसे कैसे बनाएं तो ये आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं घर में बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं अम्मियाँ दादियाँ सब यूज़ कर सकती हैं और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और सबसे आप लोगों को अहम बात बताऊँ कि अगर आप लोगों को इसके अच्छे रिजल्ट चाहिए ना आप इसमें को रात को लगाएं अपने सर में और सो जाएं चुटिया करके आप सो जाएं और सुबह उठ के अपने बालों बालों को वॉश कर लें हफ्ते में कोशिश करें दो बार यूज कर लें वरना एक दफ़ा तो लाजमी यूज़ करें तो आप लोगों को इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे आप लोगों की प्यार मोहब्बत की बहुत ज्यादा ज़रूरत है मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़